गुड मॉर्निंग एवरीबडी, लेट अस डिस्कस द स्ट्रेटेजी फॉर प्रिपरेशन ऑफ एसएससी जूनियर इंजीनियर एंड आरआरबी जेई. ऑब्वियसली एज name of the post for junior engineer, diploma holders also eligible as well as with B.Tech. generally B.Tech pursuing not allowed. जैसे अभी RRB का notification है, RRB-JE 2019, इसमें B.Tech pass out चाहिए, pursuing नहीं. means जो लोग अभी fourth year में हैं वो एलिजिबल नहीं है. ज्यादातर तो ये कंडीशन आते हैं, फिर भी आके नोटिफिकेशन देख लेना चाहिए प्रॉपरली इन कंडीशन के लिए. तो जैसे कि बीटेक के वालों के बारे में बात कर रहे थे हम, ऑब्वियसली सबसे पहला टारगेट जो बनता है जनरली बीटेक के बाद, टू क्वालिफाई द गेट एंड टू गेट ए जॉब इन PSUs. ऑब्वियसली होना भी चाहिए, गेट एंड दैट रेप्यूटेड PSUs और More ambitious IES, ठीक है ना. देखिए बहुत अच्छी बात है, प्रिपरेशन फोकस करके किया जाता है गेट और IES को, खासतौर से गेट को, क्योंकि हमारे पास भी जो स्टूडेंट है मोस्ट ऑफ उनका टारगेट ये होता है कि गेट कैसे क्वालिफाई किया जाए, गेट की प्रिपरेशन. लेकिन देखो उससे भी जरूरी एक चीज ये हो जाती है कि टाइम जरा कंपिटिशन का है, ए लॉट ऑफ कॉम्पिटिटर्स, और थोड़ा सा आजकल यह है कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज भी हैं. एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग सिनेरियो है बीटेक स्टूडेंट्स के लिए कि देखिए जॉब वगैरह कम है, वैकेंसी कम है. तो खैर क्यों है क्या है उस बारे में तो हम डिस्कस नहीं करते, बट लेट अस सी साइमल्टेनियसली अलोंग विद IES एंड गेट व्हाट आर अदर अपॉर्चुनिटीज. देखिए IES गेट में जो लोग भी प्रिपरेशन करते हैं, जो भी कॉम्पिटिशन है, कितने लोगों को जॉब मिल जाती है वो अलग बात है, बट ऑब्वियसली दोज फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट और IES, जो लोग गेट और IES के प्रिपेयर करते हैं, अब उनके लिए अगर बाय द वे 1% अनफॉर्चुनेटली तैयारी की थी, सिलेक्शन नहीं हो पाया, या गेट में रैंक कितने बार की आई है कि कोई PSU नहीं मिल सकता, M.Tech करना नहीं है, तो सारी प्रिपरेशन का क्या है. ऑब्वियसली ऐसा भी नहीं है कि नेक्स्ट ईयर के लिए वेट करेंगे कि दोबारा गेट एग्जाम आएगा, दोबारा गेट एग्जाम दिया जाए. तो अगर सेम प्रिपरेशन है आपका, सेम जो टेक्निकल आपने तैयार किया है वो अगर और किसी एग्जाम में भी यूज आ जाए, ऑब्वियसली दैट इज वेरी गुड. सो आंसर इज लाइंग इन SSC-JE RRB-JE. जहां तक मेरे याद है बिफोर 5 to 10 years, कुछ इस टाइम में 5 साल पहले तक भी एक जरा टैबू बना था कि ये तो जॉब जूनियर इंजीनियर्स के लिए, डिप्लोमा लेवल के लिए है, ठीक है ना. लेकिन अब क्योंकि एक सिनेरियो है, ये देखा जाता है जॉब सिक्योरिटी किसमें है, गवर्नमेंट जॉब है, भले नाम जूनियर इंजीनियर है, दैट इज नॉट ए बिग प्रॉब्लम, ठीक है ना. तो मैं आप लोगों को भी एडवाइस ये करूंगा, ठीक है, यू शुड ड्रीम बिग, ठीक है ना. ड्रीम आप बनाओ IES IES के लिए, लेकिन साथ साथ अगर एक जॉब सिक्योर हो जाती है जेई लेवल के भी तो क्या प्रॉब्लम है. हमने कई अपने स्टूडेंट देखे हैं जिन जो ऑलरेडी वर्किंग है एज ए जेई और प्रिपरेशन करते हैं फिर IES भी क्वालिफाई करते हैं, ठीक है ना. कई लोगों को अच्छा PSU मिला है बट उन्होंने ज्वाइन नहीं किया कि ऑलरेडी बढ़िया पोर्टफोलियो है हमारे पास, तो खैर अपनी चॉइस है. लेकिन अगर मेरा मानना यह है कि आप ये बंद कर देना, डोर बंद कर देना, मेरा मानना है कि बस आप इस वर्ड के टैबू को हटा दो, ये मत सोचो कि ये छोटी जॉब है हम इसे क्यों करते हैं. भाई ठीक है आप इसमें अपेयर हो जाओ, जो मिल जाती है आगे ट्राई करो, आप गेट IES के लिए प्रिपरेशन है, सिविल सर्विस के लिए भी करो प्रिपरेशन, है ना. तो हो सकता है कि अगर आपके किस्मत में होगा और आपकी मेहनत होगी कि अच्छी जॉब आना है तो और जगह जाओ, लेकिन अपने आप में जॉब भी ठीक है जितना मतलब इसके बारे में फीडबैक है हमारे पास. तो चलिए खैर अब इसके लिए प्रिपरेशन के बारे में देखो, इसमें अभी जो है मेनली हम फोकस कर देते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए. वैसे तो देखो कि सभी के लिए ऑलमोस्ट सभी ब्रांचेस के लिए सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, और आरआरबी में तो कुछ शायद कंप्यूटर साइंस IT की जॉब भी हैं,
तो जो वे होगा प्रोसीजर वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन हम फोकस कर रहे हैं मेनली वैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को सिलेबस उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। जहां तक बात है इसमें टेक्निकल सिलेबस सेम, टेक्निकल सिलेबस एकदम सेम है एसएससी जेई में या आरआरबी जेई जो वैकेंसी निकली है, बिल्कुल एकदम वर्ड टू वर्ड सेम है, ठीक है ना। और मेनली जैसे कि हमने कहा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जो प्रिपरेशन जो सिलेबस गेट और आईएएस का है, क्योंकि जनरली ये होता ही है और होना भी चाहिए कि अब तो सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर से कोई भी स्टूडेंट बीटेक वाला सबसे पहले गेट का सिलेबस देखता है कि क्या क्या सब्जेक्ट आता है इसमें, तो गेट का सिलेबस एक रेफरेंस मान के चलते हैं, हम बीसीयू को रेफरेंस मान रहे। जो सिलेबस गेट में है उसी का सबसेट है ये, मींस टोटल गेट का सिलेबस नहीं, उसका एक पर्टिकुलर पोर्शन, कुछ सब्जेक्ट यहां पर हैं, है ना। फिर उसके लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हैं। तो एडिशनल क्या है सिलेबस में, मैं जरा थोड़ा इस बारे में कर दूं एक बार। ये इसका नोटिफिकेशन है, ठीक है ना, यर एडवाइस कि जो प्रेजेंटली आरआरबी का नोटिफिकेशन है इसको आप जरा चेक करें, डिटेल प्रोसीजर के बारे में कि प्री मेन है, जनरल इंटेलिजेंस एबिलिटी वगैरह क्या है। अभी तो मैं आपको जरा टेक्निकल के बारे में बता रहा हूं। तो भाई सिलेबस का इसका फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये रहा, ये इसके नोटिफिकेशन से देखो, इसमें जो कॉलम बना रखे हैं इस तरह 1 to 11 सीरियल नंबर 1 to 11 सब्जेक्ट उसमें, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें जैसे कि ये रहा 1, 2 और 4, इसमें जो लिखा है नेटवर्क का सिलेबस है टोटल, बस ये है कि नेटवर्क के सिलेबस में इसमें जैसे टॉपिक इसमें जो गिवन है वन में गिवन है बेसिक कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कैपेसिटेंस करंट वोल्टेज इस तरीके का बेसिक एलिमेंट। 2 में जो है केसीएल केवीएल और थ्योरम्स हैं। 4 वाले में क्या है, इसमें 4 में है एसी फंडामेंटल, एसी एनालिसिस, एसी सर्किट के बारे में है ना, रेजोनेंस भी है आई थिंक इसमें, रेजोनेंस हो गया, 3 फेज हो गया और ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स, रेजोनेंस थोड़ा बहुत 3 फेज के बारे में और कुछ हद तक ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स भी है, हालांकि वो वैसे थोड़ा ही है इसमें, है ना। ट्रांजिएंट मतलब ये समझो मेरे ख्याल से तो डिसेंट साइनसोइडल रेस्पॉन्स आरएल और आरसी, बहुत थोड़ा है ट्रांजिएंट। तो आउट ऑफ 11 जो इसमें सीरियल नंबर 11 है उनमें से जो 3 है ये 1, 2 एंड 4, ये तो नेटवर्क ही हो गया और यही सारा सिलेबस आप स्टडी करते ही हो गेट या ईएस के लिए और सारे बीटेक के लेवल का ही है। अच्छी बात यह है कि जो इसमें लेवल ऑफ क्वेश्चन है आरआरबी और एसएससी में गेट के कंपेरिजन में थोड़ा आसान है। अब जैसे कि इंजीनियरिंग सर्विस का जो प्रीलिम होता है वो भी वैसे गेट के कंपैरिजन में इजी होता है थोड़ा, लेकिन अभी जैसे कि ये 2 दिन पहले का हमने देखा था इस बार 6 जनवरी 2019 का जो प्रीलिम था उसमें अच्छे क्वेश्चन भी रहे कुछ, तो एक तरीके से मैं ये कहूंगा आईएएस प्री से भी हल्का लेवल है क्वेश्चंस का, है ना। बेसिक कंसेप्ट आप जानते हैं तो क्वेश्चन हो जाएंगे इसके, और साथ ही साथ ये जो इसका है थर्ड वाला ये है मैग्नेटिक सर्किट, है ना, फ्लक्स रिलक्टेंस मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है ना, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, डिटेल आप इसकी देख लेना सभी, मैं तो आपको आउटलाइन बता रहा हूं, वो सारे लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा मुझे, है ना। अच्छा ये होगा कि जैसे जब आप ये स्ट्रेटेजी वीडियो देख रहे हैं तो साथ में इसका एक नोटिफिकेशन रख लें, सिलेबस वगैरह ये तो अवेलेबल है ही, कहीं से भी डाउनलोड कर ले, हमारी वेबसाइट से भी कर सकते हैं आप इसको डाउनलोड। तो इसमें जो है एक तरीके से कुछ हद तक ही एमटी आ गया,
कुछ मटेरियल साइंस, ये जो दूसरा टॉपिक है, और ऑब्वियसली थोड़ा बहुत मशीन का पोर्शन हम कह सकते हैं, वैसे मैग्नेटिक सर्किट को मटेरियल साइंस ही। ये वाला जो टॉपिक है आपको देखने में भले ही अलग लग रहा होगा, लेकिन ये सब कुछ आप कवर करते ही हो। मैग्नेटिक सर्किट मशीन्स के सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत कवर कराते हैं, हम भी आपको बेसिक बताते हैं उसमें रिलक्टेंस वगैरह के। मैग्नेटिक मटेरियल, ये मटेरियल साइंस में आप स्टडी करते ही हो, है ना, ये वाला आ गया। तो बनी बात यहां पर। चलो अब इसमें देखो, जो फिफ्थ चैप्टर है, ये फिफ्थ चैप्टर है, ये है मेजरमेंट का। मेजरमेंट, इसमें मेजरमेंट ऑफ पावर है, ठीक है ना, मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फेज एंगल यानी सीआरओ हो गया, एमिटर वोल्टमीटर, मैं आपको फिर शॉर्ट में लिख देता हूं यहां पर, रेंज एक्सटेंशन वाटमीटर, मल्टीमीटर, मैगर, एनर्जी मीटर, एसी, सीआरओ, है ना, सीटीपीटी थोड़ा। तो इसको लिखूं मैं पीएमएमसी, मूविंग आयरन, डायनोमीटर। डायनोमीटर में ज्यादा फोकस करना है वाटमीटर पर, क्योंकि वाटमीटर डिटेल में है। ओके अच्छा, सीआरओ लिसाजस फिगर है, फ्रीक्वेंसी और फेस का मेजरमेंट। एसी ब्रिज भी है, और हां सीटीपीटी के बारे में है। इसमें जैसे सिग्नल जनरेटर तो वही चीज हो गई जो यहां पे यूज होगा, सीटी एंड पीटी और इसके एप्लीकेशन। सीटी एंड पीटी, इसके जो एप्लीकेशन में यहां एक चीज लिखी, अर्थ फॉल्ट डिटेक्शन, मतलब वो पावर सिस्टम का जो टॉपिक होता है ना कि सीटीपीटी वहां रिले के साथ हम यूज करते हैं सर्किट ब्रेकर में, वो यहां पर लिखा है इसमें मेजरमेंट में। ओके तो मैंने कहा था कि ये सिलेबस सबसेट है, नेटवर्क का सिलेबस तो लगभग लगभग सेम ही आ गया, और मेजरमेंट का जो सिलेबस है ये वाला आप देख रहे होंगे कुछ चीजें कि उसका सबसेट है, जो गेट और यूएस में सिलेबस है कम है। यहां सबसे अच्छी बात है कि ट्रांसड्यूसर नहीं है, क्योंकि ट्रांसड्यूसर बहुत वाइड हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ती हैं थियोरिटिकल क्वेश्चन के लिए, तो वो, और ये भी जो है इतना डिटेल में नहीं है जैसे गेट और यूएस के लेवल का है, वाट मीटर को ज्यादा हाईलाइट कर रखा है इसमें। ये वाला तो मेजरमेंट हो गया, चलो थोड़ा आगे बढ़ जाए। यस, अब इसमें आ जाओ आप टॉपिक नंबर 11 पर डायरेक्ट, बीच के टॉपिक में बाद में बताऊंगा, इसमें पहले 11 वाले को, 1 2 3 4 5 हो गए 11। इसमें है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो ईडी से एनालॉग टॉपिक होता है इसका बहुत ही बेसिक पोर्शन, मतलब ये मानो गेट और ईएस के सिलेबस का हार्डली 20%, इसमें आपको फायदा मिल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी जो गेट और ईएस में है ईडी से एनालॉग सब्जेक्ट, वो काफी हद तक सेम ही है जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का होता है, अपने आप में दोनों सब्जेक्ट मेजर हो जाते हैं, ईडीसी भी और एनालॉग भी। यहां इनका थोड़ा सा डिस्कशन है, जैसे वर्किंग ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, पीएन जंक्शन, ट्रांजिस्टर, बस ये है इसमें, पीएन जंक्शन हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, जफेट हो गया, और इसके सिंपल सर्किट हो गए, खुद ही कहा गया सिंपल सर्किट। तो मतलब यह कि सेमीकंडक्टर फिजिक्स डिटेल में नहीं है, पीएन जंक्शन, ट्रांजिस्टर, जंक्शन एफईटी और इनके सिंपल एप्लीकेशन, बहुत थोड़ा पोर्शन है। बनी बात, चलो हां अब आ जाते हैं बीच में 607। टॉपिक नंबर 6, इसमें यह है मशीन्स के रिगार्डिंग, ट्रांसफॉर्मर, डीसी एंड इंडक्शन, सारी ही चीजें हैं लगभग, सिंगल फेज एंड थ्री फेज। 7 वाले में जो है केवल सिंक्रोनस मशीन है, सिंक्रोनस मशीन में
पैरेलल ऑपरेशन भी आ गया, कंट्रोल ऑफ एक्टिव रिएक्टिव पावर, ठीक है सारी चीज हो गई लगभग। तो 607 जो हो गया मशीन का, यहां दो पार्ट में गिवन है मशीन टॉपिक, 607 में, 6 वाले में केवल ट्रांसफॉर्मर डीसी इंडक्शन, इसमें केवल सिंक्रोनस है ये वाला। अच्छा इसी तरह, हां ये है पावर, ये मशीन है एक जबरदस्त वाला सब्जेक्ट। यहां मशीन का जो सिलेबस है वो अप्रोक्सीमेटली सेम एज दैट वी आर हैविंग इन गेट एंड इन आईईएस, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है सच मशीन में और ये वाला, सिंक मशीन एंड सिंक्रोनस मशीन दोनों मिलाकर मशीन ही हो गए। बस अब यह है कि सिलेबस का कवरेज कैसे, जैसे कि आप लोग जानते हैं हमने जब ये मशीन कवर किया था तो इसमें तो 120 आवर्स लग जाते हैं एक सब्जेक्ट में ही, 120 से ही बल्कि ज्यादा लग जाते हैं कुछ। ये है कि यहां ये कम आवर में हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग अगर किया जाए, टीचिंग आवर को आप कन्वर्ट कर लो उसी हिसाब से आपके स्टडी आवर में कि आपको कितना टाइम देना है, क्योंकि आपको लगेगा कि टीचिंग से मैं मतलब नहीं इसमें, वो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, आप उसी चीज को कन्वर्ट कर लो हाउ मच टाइम यू हैव टू डिवोट एज ए स्टूडेंट। तो खैर इसमें आपको ये करना पड़ेगा कि कवर तो सारे सिलेबस करना पड़ेगा, लेकिन लेवल ऑफ क्वेश्चन क्योंकि जेई में और आरआरबी में कंपैरेटिवली आसान है तो कवरेज जल्दी हो जाएगा उसमें। ये वाला इसका सिलेबस तो सेम है, सेम एज गेट सिलेबस। देन एट्थ वाले में ये है पावर सिस्टम पूरा, पावर सिस्टम में जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन भी है वही डिफरेंट टाइप ऑफ पावर सिस्टम्स, जनरेटिंग स्टेशंस, थर्मल हाइड्रो न्यूक्लियर वगैरह, लोड फैक्टर डाइवर्सिटी फैक्टर वही कॉस्ट ऑफ जनरेशन, इंटरकनेक्शन हो गया, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, टैरिफ, फॉल्ट, ये वाला। तो कुछ सब्जेक्ट इसमें सिलेबस बिल्कुल सेम नहीं कह सकते हम, क्योंकि जैसे कि कुछ टॉपिक हैं जो यहां पर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक है स्टेबिलिटी, लोड फ्लो स्टडी, लोड फ्लो और है ना, लोड फ्लो और स्टेबिलिटी मेजर कंपोनेंट होता है पावर सिस्टम के सिलेबस के गेट और आईएस में, लेकिन यहां पर ये दोनों चीजें नहीं हैं, है ना, वो हटा दो। तो मैं चलो लिख देता हूं लोड फ्लो ये नहीं है, स्टेबिलिटी एनालिसिस ये नहीं है, बाकी सारी चीजें आ जाएंगी, ये मैं कट कर देता हूं इसमें, और एचवीडीसी भी नहीं है जो हम कवर करते हैं। बाकी फॉल्ट के बारे में कहा गया, हां फॉल्ट का मेनली जो इसमें है सिमेट्रिकल फॉल्ट है, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट ये नहीं है, केवल सिमेट्रिकल फॉल्ट है। तो ये तो आपके फायदा हो गया, सिलेबस कम हो गया, है ना। हां जहां तक बात है प्रोटेक्शन, ये कंप्लीट सही है, यहां प्रोटेक्शन पे जोर ज्यादा दिया गया, सर्किट ब्रेकर वगैरह, बल्कि थोड़ा बहुत फ्यूज के बारे में भी है इसमें, दो चार सेंटेंस आपको फ्यूज के बारे में जानने पड़ेंगे क्योंकि स्पेसिफाई कर दिया। लाइटनिंग अरेस्टर तक है, वेरियस ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, केबल के बारे में है कुछ, तो थोड़ी सी चीजें अलग हो गई, जैसे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये वाला करना पड़ेगा अलग से। ये वाला टॉपिक एक अलग हो गया यहां पर। तो खैर पावर सिस्टम के लिए लेके कंफर्टेबल हुए कुछ, मशीन तो पूरा करना होगा। पावर सिस्टम में भी ज्यादा जो फोकस किया गया प्रोटेक्शन पे, थ्योरी वाले पार्ट पर ज्यादा देन दैट ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट। तो ये आपका हो गया पावर सिस्टम भी। अब इसमें जो 9 और 10 है ये दोनों टॉपिक हैं बस अलग, ये दोनों टॉपिक एकदम एडिशनल हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का इसमें ऐसे जिक्र नहीं किया गया, तो 9 और 10 बचे थे।
9 और 10 में एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, इंटरनेशनल इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल आईई रूल्स हैं, 1956 के जो रूल हैं ये वाले, इसमें आईई रूल्स 1956 का जो रेगुलेशन है वो वाले, इसमें बेसिकली बहुत सारे आर्टिकल हैं। वैसे तो ये बताया जाता है, ये चीज प्रैक्टिकली यूज में आती है जब आप जॉब में जाते हो टेंडर प्रिपरेशन वगैरह के टाइम, ठीक है ना, कि अगर जैसे कि कोई भी मशीन इंस्टॉल करा रहे हो तो उसके अर्थनिंग के लिए क्या रूल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक टेंडर तो निकाल दिया, ठीक है कि वी हैव टू इंस्टॉल ए इंडक्शन मोटर इन दिस लैब या इन दिस इंडस्ट्री। अब उसको फिक्स करने के क्या क्या स्टैंडर्ड है। सपोज अर्थनिंग तो करनी होगी जैसे हमने बताया था आपको, ठीक है ना, बॉडी ऑफ द लार्जर मशीन शुड बी ग्राउंडेड। तो अब उसके अर्थनिंग के लिए रूल कैसे हो, अर्थ इलेक्ट्रोड के लिए रूल क्या है, कितने डेप्थ होनी चाहिए, कैसा क्वालिटी होनी चाहिए सॉइल की, ये सारी चीजें। इसी तरह लाइटनिंग के बारे में, कि अगर जैसे कि पर्टिकुलर एक रीडिंग रूम है वहां ल्यूमिनस इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, लाइटनिंग थोड़ा ज्यादा, और बाकी नॉर्मल हॉल है किचन है उसमें क्या होने चाहिए रूल, तो कुछ इसी के बारे में, सेफ्टी वगैरह सारा। अब इसमें वैसे तो बहुत सारे रूल है अपने आप में, लेकिन हम इसमें एडवाइस ये करते हैं आपको कि कुछ जो इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है वो फोकस कर लो। तो कुल मिलाकर ये चीज थोड़ा है तो थ्योरेटिकल, लेकिन आपको इंटरेस्टिंग लग जाएगा, बोरिंग नहीं होगा मेरे ख्याल से तो। और ये 10, ये क्योंकि गेट ईएस के सिलेबस में कहीं नहीं मिलता, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये आ गया देखो इल्यूमिनेशन, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, कुछ इल्यूमिनेशन के बारे में, इलेक्ट्रिक हीटिंग, वेल्डिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये वो चीजें हैं कुछ बेसिक, आप इनके समझते हो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, या उसके बारे में जरा डिटेल आ जाएगी कि वेल्डिंग के लिए, इल्यूमिनेशन के लिए क्या इंटेंसिटी है, कुछ इसके छोटे मोटे न्यूमेरिकल हैं। न्यूमेरिकल भी मतलब सपोर्टिंग है थ्योरी को सोलिडिफाई करने के लिए, थ्योरी समझने के लिए। हाँ, यहां पर जिक्र कर दिया गया इसमें यूटिलाइजेशन वाले में, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स एंड मोटर, मुझे तो नहीं लगता कि ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाली ड्राइव है, बस ये लिखा गया इलेक्ट्रिक ड्राइव्स एंड मोटर। तो व्हाट आई थिंक कि इसमें थोड़ा सा आपको मोटर के बारे में, बेसिकली स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर, डीसी इंडक्शन है, सिंक्रोनस है, उसके बारे में आ जाएगा ड्राइव के। और मेरे ख्याल से जो क्वाड्रेंट ऑपरेशन होता है ना, जैसे रेक्टिफायर में, चॉपर में, बस वो वाले समझ लें तो आई थिंक बात बन जाएगी, है ना। तो यूटिलाइजेशन में हीटिंग है, वेल्डिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन में कुछ कंसेप्ट आपको समझने पड़ेंगे, जैसे सॉलिड एंगल आता है इसमें, स्टेरेडियन वाला, ल्यूमिनस, लक्स पर मीटर स्क्वायर, उससे रिलेटेड टर्म है। बाकी हीटिंग, वेल्डिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कोई ज्यादा खास चीज नहीं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जरूर यह देखना पड़ेगा कि कौन कौन से मेटल की होती है, क्या कंडीशन है उसके लिए। ये केमिस्ट्री में था 12th लेवल में, अगर आप ध्यान दो इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी, तो उतना मेरे ख्याल से काफी हो जाएगा। तो भाई ये हो गया इसका टेक्निकल सिलेबस एसएससी में भी और आरआरबी में भी, है ना। इस सिलेबस को बताने का एक मतलब ये था मेरा मेनली, कि अगर आपके देखो एक इंटेंशन है कि ये वाले एग्जाम भी मुझे दे देने चाहिए, आई शुड अपियर, तो पहली बात तो मैं आपको कहना चाहूंगा, यस यू शुड अपियर, है ना। जॉब सिक्योर हो जाए एक बहुत अच्छी बात है, सिलेक्शन हो जाता है तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है फिर, है ना। और जॉब प्रोफाइल अच्छा है, बस ये जरूर है कि भाई नाम इसका जूनियर इंजीनियर है, वो जरा एक टैबू हटा दो अपने माइंड से, मैंने शुरू में भी आपको कहा था। तो अगर उसके लिए आपको इंटेंशन है कि मुझे प्रिपरेशन करनी है तो कैसे स्टडी करना है, तो सिलेबस का जहां तक मामला है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। 90% से ज्यादा टेक्निकल सिलेबस वही है जो गेट ईएस में होता है, बल्कि उससे कम है सिलेबस, काफी कम है। हाँ, ये थोड़े से टॉपिक एडिशनल है जो मैंने रेड कलर से इंडिकेट किए हैं, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन, ये चीजें एडिशनल है। यहां जैसे ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पावर सिस्टम वाले में ये कुछ अलग आ गया।
तो एक्स्ट्रा प्रिपरेशन नहीं, बस ये जरूर है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं क्या, जो इसकी क्लासेस होती हैं हमारी, अभी हम जो इसका प्रोग्राम शुरू करने जा रहे ऑनलाइन भी एज वेल एज ऑफलाइन, ऑनलाइन एज ऑफलाइन क्लासेस दोनों तरीके से, ऑफलाइन क्लासेस एज इट इज जो क्लासरूम मोड है दिल्ली सेंटर पे हमारे, लेकिन इन क्लासेस के लिए हमने ऑनलाइन में भी इसको स्टार्ट किया है, जैसे बाकी क्लास भी हमारी चलते हैं ऑनलाइन मोड में भी। ये खासतौर से उन लोगों के लिए जो या तो वर्किंग है या फिर किसी कंस्ट्रेंट से दिल्ली आके क्लास अटेंड नहीं कर सकते, तो बेसिकली उन स्टूडेंट को कवर करने के लिए ये वाला ऑनलाइन मॉड्यूल भी है। इसमें आप कर सकते हैं ऑनलाइन में दोनों तरीके से आप अटेंड कर सकते हैं, या तो लाइव मॉड्यूल में कि जिस टाइम क्लास होती है उसी टाइम आप अटेंड करें, क्वेरी का भी इसमें है प्रोविजन, या फिर रिकॉर्डेड मोड में कि क्लास ठीक है रिकॉर्ड हो गए आपके डेस्कटॉप पर, ठीक है ना, और उसको आप अपने टाइम के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग देखते जाए क्लासेज जैसे भी है। ये तो खैर आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाएगी अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो जो भी। और इसी के लिए जो है ना एक अभी टेक्स्ट बुक है, वो भी ये समझ लो कि विद इन टू वीक्स आ जाएगी मार्केट में, इंजीनियर्स ऑन पब्लिकेशन की, इसमें कुछ प्रिंटिंग वगैरह का ही काम बचा है, ठीक है ना। इसके लिए जो गाइड बुक है इलेक्ट्रिकल में तो सारे टॉपिक मेरे हैं इसमें, तो ये वाली जो गाइड बुक है ये भी अवेलेबल हो जाएगी बुक के लिए, उसमें है कि थ्योरी आ जाएगी और साथ साथ क्वेश्चन भी। तो क्वेश्चन का लेवल जहां तक मेरा ख्याल है कि इसमें देखो किस तरीके का है, क्योंकि ये जो एग्जाम है आरआरबी का खासतौर से अभी जिसकी वैकेंसी आई है और इसमें बल्क में वैकेंसी है, टोटल वैकेंसीज तो आई थिंक 14-15,000 है, फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी आई थिंक 2300 या 2500 कुछ ऐसी वैकेंसीज हैं टोटल वैकेंसीज सभी जोन के मिलाकर रेलवे में जितनी भी हैं, तो एक अपने आप में अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। अब क्वेश्चन के रिगार्डिंग, इसमें क्वेश्चन एक तो जैसे है कि जो आप गेट के लिए करते हो उसमें तो क्योंकि न्यूमेरिकल भी होते हैं अच्छे खासे, तो गेट के जो वन मार्क के क्वेश्चन आता है ना कुछ थ्योरेटिकल टाइप के, वो फायदेमंद होंगे, और इंजीनियरिंग सर्विस के क्वेश्चन जैसे होते हैं वो भी आपको बेनिफिट कर जाएंगे। बाकी जो है यहां बहुत बेसिक क्वेश्चन कई सारे हैं, फॉर एग्जाम्पल जय सिंपली रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है, नॉर्मली इस पर क्वेश्चन कहां करते हैं हम इतने, हम तो ये जानते हैं कि ये चीज आपको पता ही होंगी, और गेट ईएस में आते भी नहीं डायरेक्ट फार्मूले पे क्वेश्चन, यहां ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं इस तरीके के जो डायरेक्ट फार्मूले पे बात बन जाती है। डीसी मशीन के क्वेश्चन है अपने आप में, न्यूमेरिकल जो है न्यूमेरिकल कम है इसमें, वो डायरेक्ट फार्मूले वी इक्वल टू ई प्लस आई ए आर ए, मोटर के लिए जनरेटर के लिए ई माइनस आई ए आर ए, उन कंसेप्ट पे बेस्ड है ना। ये है कि प्रैक्टिस अगर साथ साथ करते जाए क्वेश्चन देखें किस तरह, तो आई थिंक बहुत फ्रूटफुल होगा। दिक्कत जब हो जाती है कि अगर आप इसमें कुछ प्रैक्टिस ना करो क्वेश्चन की और डायरेक्ट सोचते हैं कि सिलेबस मेरा कवर है ही, फिर आप एग्जाम देने चले जाओ, तो फिर उन लोग स्टूडेंट का फीडबैक ये होता है कि क्वेश्चन काफी कुछ हो गए, कुछ क्वेश्चन थे मेमोरी बेस्ड के जो इनमें से वो नहीं हो बन पाए। तो मेरे ख्याल से अगर इस तरीके के आपके 5-10 क्वेश्चन मिल जाते हैं डायरेक्ट थोड़ी चीजें 4-5 पेज याद करने से, तो बहुत अच्छी बात है, स्कोर बूस्ट अप हो जाएगा एकदम, है ना। अब उसके लिए भी है ये बात, क्योंकि कुछ स्टूडेंट की क्वेरी ऐसी होती है जनरली, डिप्लोमा होल्डर का तो चलो केस हल हो गया होगा, उनके लिए तो गेट ईएस है ही नहीं, ये वाली जॉब होती है, लेकिन बीटेक में भी कुछ स्टूडेंट का कहना होता है कि हमारे कंसेप्ट स्ट्रांग है नहीं, या एकेडमी कितना अच्छा नहीं है, कभी इतने बढ़िया से पढ़ाई नहीं की, तो भाई गेट और ईएस तो हमारी कैपेबिलिटी से बाहर है, तो हम केवल एसएससी जेई के लिए या आरआरबी जेई के लिए ट्राई कर लें क्या। तो पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि डू नॉट बी डिमोरलाइज, कि अपने आप को पहली बात तो एक अंडर एस्टिमेट मत करो कि गेट ईएस हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ऐसे भी एग्जाम्पल है जिन लोगों की बीटेक में सेकेंड डिवीजन थी कि किसी पीएसयू में एलिजिबल भी नहीं, और उन्होंने आईएएस क्वालिफाई करके रेलवे भी ज्वाइन किया है यहाँ भी। तो अपने आप में खैर हर तरीके का एग्जाम्पल है वैसे, टू स्टे मोटिवेटेड, लेकिन जो लोग ये सोचते हैं तो अच्छा है, पहले इसी से प्रिपरेशन स्टार्ट करो, ये मेरा इसमें समझो कॉन्फिडेंस है, आई एम श्योर कि वंस यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर आरआरबी जेई और एसएससी जेई,
once you get your fundamentals right of this subject, surely you will be confident enough to go further for preparation of GATE and IES examination. So, अच्छा इसमें बाकी कुछ चीजें थी जैसे जनरल अवेयरनेस है, जनरल एप्टीट्यूड वगैरह है, उसके बारे में मैं भी थोड़ा समराइज कर देता हूं. इसमें देखो, इसमें जो आरआरबी में एक सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स के नाम से भी, टेंथ लेवल का मैथमेटिक्स है, वो इंजीनियरिंग मैथ से बिल्कुल अलग है. वो इस तरह का मैथ है जैसे आप गेट के लिए एप्टीट्यूड में पढ़ते हो, वर्क एनर्जी, टाइम एनर्जी, वेलोसिटी एटसेट्रा. ये जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग बिल्कुल वही है. तो जो आप जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग तैयार करते हो वो आपका काम आ जाता है. हाँ, इसमें जरूरत जो पढ़ते हैं थोड़ी सी, एक तो जनरल स्टडी का, हालांकि क्वेश्चन उसके कम है, थोड़ा बहुत कन्वेंशनल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर, और लिटिल बिट अबाउट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, लाइफ साइंस, है ना, ये वाला. इसके लिए जो है सफिशियंट स्टडी मटेरियल वो हम अवेलेबल करा भी देते हैं, क्योंकि क्लास की इसमें ऐसे जितनी जरूरत पड़ती नहीं. हम कोर्स में, क्योंकि एक्चुअली अभी है कि टाइम की शॉर्टेज है मेन सेशन में, तो टाइम मिल ही नहीं पाता क्लासेस का. अभी थोड़ा टाइम रहता है ये वाला जो होता है जनवरी से अप्रैल के बीच में, हम इसमें कोई क्लासेस ये वाली करा सकते हैं. नॉन टेक्निकल क्लासेस का हम प्रोविजन देखते हैं कि वो कराएंगे या नहीं, अदरवाइज उसका मटेरियल अवेलेबल हो जाए तो काम बन जाता है. वैसे क्लास की मुझे नहीं लगता कि बीटेक वालों को जरूरत पड़ती है. तो बाकी यह है कि इस बारे में आपको बताना चाहता हूं कि नॉन टेक्निकल से घबराने वाली बात भी नहीं है, है ना. और कुल मिलाकर यह है कि जो आप प्रिपरेशन कर ही रहे हो ज्यादातर लोग गेट और ईएस की, बस उसमें थोड़ा सा ही तो एडिशन सब्सट्रैक्शन करना है कुछ चीजों का, बल्कि ज्यादा तो सब्सट्रैक्शन ही है, थोड़ा बहुत एडिशन है. तो प्लीज गो फॉर दैट, है ना. तो खैर, इसमें अगर आप इंटरेस्टेड हो क्लासेस के मॉड्यूल के बारे में कि कब से शुरू होने हैं, क्या है ये, इसके बैच प्रोबेबली अभी ये जनवरी मंथ है, इसमें भी शुरू करेंगे 19th of January. पहला जो बैच रहेगा इसमें, और इसके बाद फेब में भी रहेगा ये, फेब एंड मार्च. फेब वाले के भी हमने डेट डिसाइड नहीं की, और एक बैच हो सकता है मार्च में भी, उसके बाद तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर रेगुलर क्लासेस जो होती हैं वो मैटर करेंगे, फिर टाइम नहीं मिल पाता. तो खैर, बाकी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. और इस वीडियो के साथ यह है कि आप अपने जो कमेंट्स हैं उसमें क्वेरी वगैरह भेज दें, तो आपकी क्वेरी हमें मिल जाती है, तो जिससे कि नेक्स्ट वीडियो हम रिकॉर्ड करें आपकी वो क्वेरी ले सकते हैं, उसके आंसर कर सकते हैं. अदरवाइज बाकी और भी क्वेरी रहते हैं तो बेटर टू कॉल एट द ऑफिस, है ना. हमारे वेबसाइट पर आप नंबर देख सकते हैं, वहां आप कॉल कर लें. इनमें से किसी नंबर पर कॉल कर लें. अगर आपको कुछ टेक्निकल चीजें, कुछ सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करना है, आई विल बी अवेलेबल, ठीक है ना. तो आप किसी टाइम कॉल करते हैं, आपको सुटेबल टाइम बता देंगे कि किस टाइम में आपको मिल पाऊंगा, फिर क्लासेस के बारे में जो भी है ना. तो वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, है ना. थैंक यू.